वैसे तो फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग चूंकि 12th का वीडियो पढ़ रहे हैं और 12th में अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ रहे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ का जितना भी बेसिक था उसे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया। लास्ट क्लास में हम लोग जाने थे कि दो चार्ज अगर रखा हुआ रहे तो दो चार्ज के बीच किस तरीके से कूलम्ब्स लॉ को हेल्प से हम लोग फोर्स निकालते हैं, जो अपने आप में बहुत आसान था। K Q1 Q2 IR² फॉर्मूला लगाना था, K का वैल्यू पुट करना था, Q1 Q2 और R पुट करना था और निकाल लेना था। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो से ज्यादा चार्ज रहे, मतलब तीन आवेश रहे, चार आवेश रहे, पांच आवेश रहे, तब कैसे करके चार्ज पे आवेश पे बल निकाला जाता है, फोर्स निकाला जाता है। अब इसके लिए वेक्टर का यूज आता है, तो वैसे तो वेक्टर चैप्टर 11th में पढ़ना है, लेकिन 12th में क्या करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का रिवीजन करेंगे। हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो 12th में कितना रिवीजन कर ले, कितना पढ़ ले, जिससे 12th में मेरा काम चल जाए। वैसे तो वेक्टर में बहुत पढ़ना है, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना कि 12th में पढ़ने के बाद मेरा पूरा 12th का नैया पार कर जाए, और इसके बाद अगले दिन से हम लोग मल्टीपल चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे, मतलब दो से ज्यादा चार्ज, जिसे सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, वो निकालेंगे और अच्छी तरीके से एक एक न्यूमेरिकल सीख लेंगे, क्योंकि इस तरीके का न्यूमेरिकल इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो यह है डेली लेक्चर का फिजिक्स का 8वां पार्ट, जो आपके एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाता है और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का 8वां सेट है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इस इन्फॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। और पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए यहां राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो करेगा, उस पर क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो का लेक्चर खुल जाएगा, या सिंपल वे में यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च करके चैनल के अंदर चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा फाइल ही बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमणि, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हो सके तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपके लिए जरूरत का चीज है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का आइकन आएगा उसे दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक शेयर इतना महत्वपूर्ण है इस चैनल को आगे जाने के लिए और आप लोग को सिखाने के लिए कि मत कहा जाए। और आप लोग को याद हुआ कि लास्ट क्लास में लोग कूलम्ब्स लॉ को बिल्कुल बेसिक में पढ़ लिए थे, आज तो इसका बात करने का जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन का वेक्टर पढ़ेंगे या वेक्टर का रिवीजन पढ़ेंगे, जो ही पढ़ेंगे चाहे रिवीजन का वेक्टर पढ़े या वेक्टर का रिवीजन पढ़े। देखिए मैं पहले आपको समझा देता हूं रिवीजन और वेक्टर में पढ़ना हम लोग को क्या होता है, वो पहले समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम वेक्टर का जोड़ पढ़ेंगे, एडिशन, जिसे वेक्टर का योग भी कहा जाता है, वेक्टर का जोड़, सदिश का जोड़, एडिशन। देखिएगा पहले समझिएगा कि वेक्टर के जोड़ का मतलब क्या होता है। हाँ, पहले हम लोग यह समझेंगे कि वेक्टर का जो जोड़ होता है, एडिशन होता है, इसका मतलब होता क्या है, क्या हम लोग इसमें करते हैं। तो समझिएगा सिंपल तरीका से, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, पहले हम समझेंगे वेक्टर के जोड़ का मतलब, कि मान लीजिए कोई वस्तु जिसे हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं, यानी वेक्टर के रिजल्टेंट का मतलब हम लोग समझ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, अब दो आदमी है, राम, राम किसी वस्तु को इधर खींच रहा है इस वस्तु को, और श्याम इधर खींच रहा है। अब आप बताइए कि राम मान लीजिए 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है और श्याम 15 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है, आप हमको बस ये बता दीजिए कि जो ब्लॉक है ये किधर जाएगा, राम के तरफ जाएगा या श्याम के तरफ जाएगा, राम की तरफ जाएगा, श्याम की तरफ, या कहीं बीच से जाएगा। आप लोगों में अधिकांश बच्चे जो थोड़े भी ब्रेन के होंगे उनका यही जवाब होगा कि सर वस्तु कहीं बीच से जाएगा। तो ये जो बीच से गया, वस्तु बीच में क्यों गया, क्योंकि दो दो आदमी खींच रहे थे, दो दो आदमी फोर्स लगा रहे थे और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट था वो बीच से कहीं था। तो यही जो रिजल्ट आता ना, इसी को लोग रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट कुछ अलग चीज नहीं होता है, जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है या वेक्टर का जोड़ होता है उसका मतलब होता है कि दो तीन चार आदमी या पांच बल या पांच वेक्टर लगे, उसका एक जो रिजल्ट आए, नेट वैल्यू आए, उसी को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे देखिए आप ही समझिए कि राम 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है और श्याम 15 न्यूटन के ही फोर्स इधर खींच रहा है। अब आप हमको बताइए कि रिजल्टेंट किधर होगा। मेरे ख्याल से रिजल्टेंट अब 15 10 25 न्यूटन हो जाएगा। 25 इसलिए होगा क्योंकि इधर ही की ओर 10 और इधर ही की ओर 15, अगर दो दो आदमी एक ही तरफ खींचेगा तो रिजल्टेंट 15 होगा, देखिए 25 हो जाएगा सॉरी। इसके उल्टा अगर ऐसा होता कि इधर की ओर 15 न्यूटन से कोई खींचता
और इधर की ओर कोई आदमी 10 न्यूटन से खींचता तो इस समय जो रिजल्टेंट आता वो 5 न्यूटन का आ जाता। 5 न्यूटन का इसलिए क्योंकि आप खुद सोचिए कि इधर 15 न्यूटन से खींचा रहा है और इसके उल्टा तरफ अगर 10 न्यूटन से खींचा था तो आप खुद सोचिए ना कि इसका 10 और इसका 10 बैलेंस हो जाता ना, इसके पास तो एक्स्ट्रा में 5 ही बचता ना, यानी रिजल्टेंट इसमें 5 न्यूटन आ जाता। तो आप लोग रिजल्टेंट का मतलब कुछ कुछ समझ रहे होंगे, अगर जानते हैं पहले तो बहुत बढ़िया बात है, अगर सब चीज जानते तब तो आपके लिए चैनल काम ही का चीज नहीं है। जो बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर हमको सब चीज पता है, कुछ नया बताइए, ये नया क्या यार, सिलेबस में जो पढ़ना रहता है वही ना, क्या मतलब कुछ ये कोई खोज यहां हो रहा है कि नया चीज मिलेगा। तो जो बच्चे जानते हैं, जो पढ़े हुए हैं, जो बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं, जिन्हें पता है, उनके लिए चैनल नहीं है ये चैनल, उनके लिए जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें सीखने का शौक और वो नहीं जानते हैं, उनके लिए चैनल है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि इधर 15 इधर 10, इसका रिजल्टेंट कितना जाएगा, 5 न्यूटन यानी 5 न्यूटन आ जाएगा। अब देखिएगा, इसे अच्छे से समझिएगा, तो थोड़ा सा एक रिजल्टेंट का फार्मूला होता है जो आप लोग सभी जानते होंगे कि मान लीजिए इधर की ओर कोई फोर्स है F1 या इधर की ओर कोई वेक्टर है A वेक्टर और कोई दूसरा वेक्टर इधर की ओर है B वेक्टर, और आपको ये तो पता होगा कि जो दोनों का रिजल्ट आएगा A और B, ये एंगल बीच का कोण पर भी डिपेंड करेगा। अभी ना हम लोग देखे कि कोण एक ही तरफ है तो रिजल्टेंट जुट गया, 10 और 15 मिलकर बन गया 25 का, और अगर एक 15 इधर है और एक 10 इधर है उल्टा तरफ है तब रिजल्टेंट हो गया 5 का, तब रिजल्टेंट जाकर हो गया 5 का, यानी एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो एंगल पर डिपेंड करता है, तो मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो आप लोग जानते हो कि जो रिजल्टेंट आता है, सुनिएगा, जो रिजल्टेंट आता है ये अंडर रूट पहला का स्क्वायर, यानी पहला वाला जो वेक्टर 10 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, जितना भी है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट आता। आप लोग ये जानते होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और साथ साथ में जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इधर से जाएगा, हाँ हाँ, साथ साथ में जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इधर से जाएगा, बीच से कहीं जाएगा। और मान लीजिए कि रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं ना है कि रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाए, जैसे मैं कह रहा हूं ये हो गया ए और ये हो गया बी, वो एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट नहीं ना जरूरी कि बीच को बीच तीसरे से जाए, जब दोनों बराबर रहेगा, ये अगर 10 न्यूटन का और ये भी 10 न्यूटन का, तब रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा होगा तब रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से जाने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बड़ा और एक छोटा होगा तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से नहीं जाएगा। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस समय जो एंगल का वैल्यू होता है, मान लीजिए कि टैन अल्फा हमें निकालना है, टैन अल्फा, तो आप खुद सोचिए कि टैन अल्फा जो है वो क्या है, तो अल्फा जो है रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ बनने वाला कोण है, क्योंकि सिर्फ रिजल्टेंट के वैल्यू से तो काम बहुत सारे क्वेश्चन में चल जाएगा। ये जो वैल्यू आया आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन में काम चल जाएगा, बट परंतु लेकिन परंतु समझिए किंतु क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन में इस एंगल का जरूरत पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट है वो ए या बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए के साथ कितना बना रहा है या बी के साथ कितना बना रहा है। तो मान लिए कि ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो जो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, हाँ हाँ, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा और प्लस में ए है इधर लिखिए या फिर इधर लिखिए, बी कॉस थीटा के बाद लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया टैन अल्फा का फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए कि बी के साथ वैसे ही एंगल निकालना रिजल्टेंट का, हाँ रिजल्टेंट का ये जो एंगल है मान लीजिए बीटा या अल्फा, उसको भी मान सकते हैं, अल्फा डैश मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि हम बीटा मान लिए, तो बी के साथ एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप खुद सोचिए कि बी के साथ निकाल रहे हैं तब क्या करेंगे, ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। इसके लिए माफ कीजिएगा हमें कि हम इस सवाल का अभी टॉपिक में जवाब नहीं दे सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला कहां से आया, आर वाला या टैन अल्फा वाला या टैन बीटा वाला। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो अभी आपको रट कर काम चलाना पड़ेगा, इसमें छूट गया, टैन बीटा बराबर, अगर बीटा देखिए बी के साथ एंगल है बीटा, ध्यान दीजिएगा रिजल्टेंट जो है ये बीटा बी के साथ एंगल है, तो ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा, अब प्लस में यहां क्या कर देंगे बी, और वैसे ही देखिए जब ए के साथ था तो बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। ये तीनों फार्मूला तो आपके लिए VBI है ही वेक्टर के रिवीजन के लिए, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों फार्मूला तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन ये तीनों फार्मूला का उतना ज्यादा यूज नहीं आ गया, इन
इंट्रो को मैं कट कर रहा हूं, ये मैंने आपको समझाया, कट इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि हम लोग ट्वेल्थ का पढ़ाई कर रहे हैं, भेक्टर का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, बार बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसलिए इतने लंबे चौड़े से हटकर, इतने लंबे चौड़े फार्मूले से हटकर क्या होता है कि हम लोग के पास शॉर्टकट फार्मूला था, शॉर्टकट फार्मूला, ताकि अच्छी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। वैसे ये जो फार्मूला है ये सब फार्मूला का बाप है, मैं कह रहा हूं कि मैंने ये जो फार्मूला बताया ये फार्मूला हर एक फार्मूला का बिल्कुल बाप है, आप ऐसा समझिए। कहने का मतलब बाप है, कहने का मतलब ये कि हर एक फार्मूला में ये यूज आएगा, जो भी फार्मूला मैं बताऊंगा वो यही से बना है। लेकिन देखिए अब हम लोग, देखिए हम लोगों को क्या करना है, इंपॉर्टेंट केस यूज सबसे ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट केस मतलब इसी फार्मूला का छोटा छोटा बच्चा, इसी फार्मूला का छोटा छोटा बच्चा। सबसे पहला केस में क्या है कि अगर दो दोनों वेक्टर है, ये दोनों एक ही तरफ रहे, मतलब ए भी इधर ही रहे और बी भी इधर ही रहे, तब रिजल्टेंट क्या आएगा। अब देखिए दो बच्चा है, एक बच्चा क्या करेगा, कहेगा कि सर दोनों एक ही तरफ है तो हमको ए तो पता ही है सर, तो यहां ए पुट कर देंगे, हां पुट कर दीजिए। सर बी पता है, बी पुट कर देंगे, दम पुट कर दीजिए। सर ठिट्टा जब दोनों एक की तरफ है तो ठिट्टा हो जाएगा जीरो डिग्री, तो सर ठिट्टा भी पुट कर देंगे, तो ए बी ठिट्टा सब पते होंगे तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। हां निकाल लीजिएगा, लेकिन वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वो प्रोसेस है, वो जो पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो लंबा हो जाएगा। वेक्टर नहीं सॉल्व करने आए आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ट्वेल्थ का चैप्टर सॉल्व करने आए हैं और आप वेक्टर को ही उतना देर सॉल्व कीजिएगा, तब तो आपका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ और कुछ बाकी। इसलिए डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं कि यहां रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आप लोग खुद बताइए कि दोनों एक ही तरफ रहेगा, ये भी इधर ही और ये भी इधर ही, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी के बराबर। और नहीं समझ में आए तो खुद सोचिए कि एक वस्तु है, इधर कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर की ओर खींच रहा है 15 न्यूटन से, तब रिजल्टेंट कितना आएगा और किधर आएगा। हम ये कह रहे हैं कि इधर की ओर कोई आदमी 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर की ओर 15 न्यूटन से खींच रहा है, तब रिजल्टेंट कितना आएगा और किधर आएगा। तो आप खुद सोचिए, रिजल्टेंट आ जाएगा 25 न्यूटन इधर की ओर, रिजल्टेंट आ जाएगा 25 न्यूटन इधर की ओर ना, जिधर दोनों एक तरफ है इधर ही की ओर ना बढ़ी जाएगा 25 न्यूटन का, तो ए प्लस बी हो जाता है रिजल्टेंट। जिनको फिर भी इन सब बातों पर शक होता है, जो हमेशा ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब का जो पढ़ाई होता है, कुछ बच्चे का जो कमेंट होता है यूट्यूब का जो पढ़ाई होता है वो तो बकवास होता है, पता नहीं कैसा टीचर बैठ गया पढ़ाने के लिए, क्लास का टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। टैलेंट यूट्यूब और प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होता, टैलेंट अंदर का टैलेंट होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं टैलेंटेड हूं, लेकिन जो बच्चे के दिमाग में ये सब बातें आती है उनको मैं कह रहा हूं कि अगर फिर भी मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो कुछ नहीं कीजिए, आपको ए पता है, बी पता, और ठिट्टा जीरो पता, यहां पुट कीजिए इस फार्मूला में और ऑटोमेटिक रिजल्टेंट ए प्लस बी आएगा। देखिए मैं पुट करके भी आपको दिखा देता हूं, जब रिजल्टेंट निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और हमसे भी को पता है कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो जब ये गुना में 1 हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और आप खुद सोचिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगा, a प्लस b के बराबर आ जाएगा। तो आप यहां से समझ लिए कि रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो आप जैसे भी समझ सकते हैं उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर हुआ। तो ये पहला केस हुआ, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बोरिंग हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, तो वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, यहीं पर लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं वीडियो को। आते हैं दूसरा केस में, देखते हैं दूसरा केस की दूसरा कौन सा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर दोनों का डायरेक्शन है ये सेम ना हो कि अपोजिट हो, मतलब उल्टा तरफ हो, तो आप लोग तो भी समझ रहे होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अपोजिट रहेगा तो सर घट ना जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। बहादुर गेमिंग आई के रेगुलर व्यूअर जो वीडियो को रेगुलरली देखा करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक किया करते हैं और सपोर्ट किया करते हैं चैनल को, उनको हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि केस 2 में क्या करते हैं, केस 2 में दूसरा केस कि ए वेक्टर इधर हो और बी इधर हो, तो इस समय रिजल्टेंट घट जाएगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। जैसे ऐसे इधर है मान लीजिए 15, इधर है मान लीजिए 8, तो आपको 8, 7, तो रिजल्टेंट आपको आ जाएगा 7 का किधर की ओर, 15 वाला की तरफ। लेकिन वही ऐसा होता किधर होता 15 और इधर होता 8, तब रिजल्टेंट आ जाता आपको 7 का किधर की ओर, इधर की ओर आता, इधर बड़ा वाला की तरफ हमेशा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब एंगल 180 रहेगा तो घट जाता है वैल्यू, घट जाता है, यानी इस समय रिजल्टेंट ए माइनस बी के बराबर हो जाता है। जब एंगल 180 हो तो ए माइनस बी, रही बात कि सर डायरेक्शन किधर होगा, रही बात सर कि डायरेक्शन किधर होगा, तो बड़ा वाला की तरफ रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, यानी बड़ा
बड़ा वाला तरफ के बढ़ी जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए माइनस बी के बराबर। देखिए मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाऊं, और ना ही उतना सामान मेरे पास है, डीएसएलआर कैमरा है, कि मैं बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाऊं, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाता हूं। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आती होगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं हो सकता, ना ही उतना समय है बोर्ड पे रिकॉर्ड करने का, इसलिए मैं ऐसे करके पढ़ाता हूं। तो इस समय रिजल्टेंट ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा, कब, जब अपोजिट में रहेगा तब। अगली बात मैं कह रहा हूं, सुनिएगा अगला बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर तीसरा केस सुनिएगा, तीसरा केस, और इसमें भी कंफ्यूजन तो कुछ नहीं कीजिए, यहां जो थीटा 180 डिग्री पुट कीजिए, जब थीटा 180 डिग्री पुट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, हम सब लिख के अभी नीचे दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहां थीटा 180 पुट कीजिएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। तीसरा केस में आते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात की, अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं, इन सब चीजों को और अच्छी तरीका से सीखना चाहते हैं, तो गूगल पे www.aiminghighclasses.com aiminghighclasses.com सर्च करके जरूर मेरे चैनल को विजिट किया कीजिए, देखा कीजिए चैनल को, उसमें बहुत सॉरी चैनल बोल रहे हैं वेबसाइट को, उसमें बहुत सारा चीज आपको पढ़ने का टिप्स, पढ़ने का ट्रिक, बहुत सारा चीज मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा जो कि हम सिखाना चाहते हैं, और उसमें हर दिन पोस्ट डालते हैं, आप जरूर www.aiminghighclasses.com सर्च किया कीजिए। आ रहे थर्ड केस में, देखिए थर्ड केस क्या है वो समझिएगा। थर्ड केस में जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे का, थर्ड केस में मैं ये कह रहा हूं, जब दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, एक इधर हो और दूसरा इधर हो, मतलब कि एंगल 90 हो, तब रिजल्टेंट क्या आएगा। तो इस समय जो रिजल्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए एक आपका ए है और एक आपका बी है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपका सवाल होगा कि सर इस समय रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा सर, अब तो ना एक के तरफ है सर, ना ही अपोजिट है, कुछ दिमाग लगा, तो अब रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बोल रहा हूं, ना एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, ना बिल्कुल बीचों बीच से मैं नहीं बोल रहा हूं, कहीं बीच से रिजल्टेंट जाएगा, अभी मैं सब आपको दिखाने वाला हूं, रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो कुछ नहीं कीजिए, फार्मूला तो सबका बाप ये फार्मूला है ही, इसमें थीटा 90 पुट कीजिए, ऑटोमेटिक कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इतना को जीरो कर देगा इतना को, और जैसे इतना जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक अंदर में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो ये हो गया 90 के केस में। अब एक डॉट और स्टूडेंट के मन में आता है कि सर यहां पे एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल तो अल्फा बीटा निकालने के लिए आपके पास एंगल वर्तमान है, और इससे पहले जो हम एंगल निकाले थे जहां पर बोल दिए थे कि दोनों एक ही तरफ होगा तो रिजल्टेंट भी इधर ही आ जाएगा, दोनों अपोजिट रहेगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, तो वहां भी इस फार्मूला से आप एंगल निकाल सकते हैं टैन अल्फा टैन बीटा करके, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं ना है, शॉर्टकट में निकल जाता है ना। यहां भी अल्फा निकालेगा, देखिए यहां भी डायरेक्ट इतना लंबा नहीं कर रहा है, अगर टैन अल्फा निकालना है, यानी अल्फा निकालना है किसके साथ, एंगल निकालना है ए के साथ, तो सिंपली बी बाई ए कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, इस अल्फा के लिए बी को परपेंडिकुलर मान लीजिए, और ए जो है आपका इस ए को मान लीजिए आप बेस, तो बी बाई ए हो जाएगा। वैसे टैन बीटा अगर निकालना है, टैन बीटा, तो टैन बीटा इक्वल टू हो जाएगा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, ए बाय बी हो जाएगा। वैसे अगर आप इस फार्मूला में पुट कीजिएगा थीटा 90, ऑटोमेटिक वही आ गया, देखिए कॉस 90 जीरो हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा, तो बी गुना 1 बी, या नीचे जीरो हो गया तो ए प्लस जीरो ए, तो बी बाई ए आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। आपका आ गया सेकेंड, मैं कह रहा हूं ये आपका आ गया सेकेंड। आते हैं थर्ड में, मैं देखता हूं थर्ड में क्या है नहीं है, जरा देखते हैं बढ़िया से अच्छी तरीके से समझिएगा। और सॉरी फोर्थ केस, फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट केस, कि फोर्थ केस में ना हमको एंगल वगैरह से कोई मतलब लेना देना नहीं है, कि क्या एंगल है क्या एंगल नहीं है, क्या कोण है क्या कोण नहीं है, हमें बस इस बात से मतलब है कि दोनों जो वेक्टर को जोड़ रहे हैं वो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ये भी 10 न्यूटन का है तो बी भी 10 न्यूटन का। और बहादुर लोग, इसके बारे में एक चीज तो आपको पता है कि इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। थिंकिंग, थोड़ा ब्रेन का यूज, थोड़ा ब्रेन लगा दिए और मिर्च मसाला लगा दिए, बस खुद समझ में आ जाएगा कि अगर दो फोर्स समान है तो खींचेंगे तो जो बड़ी जाएगा खिंचाएगा वो बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। नहीं, ये एंगल अगर थीटा है तो यहां जो अल्फा आएगा एंगल, ये भी थीटा बाई 2 आ जाएगा, और यहां जो बीटा आएगा एंगल, ये भी थीटा बाई 2 के ही बराबर आ जाएगा। यानी यहां पे दोनों एंगल थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। सर रिजल्टेंट कितना आएगा, आपने तो एंगल बता दिया ना, ये जो रिजल्टेंट बीच से आ रहा है, रिजल्टेंट का वैल्यू इस समय कितना होगा, रिजल्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, रिजल्टेंट मतलब कि दोनों को जोड़ने से, दोनों को एक साथ खींचने से जो रिजल्ट आएगा कितना से खिंचाएगा, कभी कभी जीरो भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 से इधर भी खींचे, 10 से इधर भी खींचे, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो यहां जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये हो जाएगा 2a
cos थीटा by 2, हाँ हाँ यहां जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 2a cos थीटा by 2, जहां 2 तो नंबर हो गया, a जो हो गया इसका वैल्यू या इसका वैल्यू किसी का वैल्यू ले लीजिएगा, cos हो गया cos, थीटा हो गया, दोनों के बीच का एंगल by 2। और इस बात को ध्यान दीजिएगा ये 2 से ये 2 कट मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 2 है थीटा में भाग है एंगल में और ये ऊपर नंबर है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं इसे साफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से रिजल्टेंट का वैल्यू ये हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया और अल्फा जितना हो गया उतना बीटा हो गया और किसके बराबर आ गया थीटा बाय 2 के बराबर। तो यही चारों इंपॉर्टेंट केस है, मैं चल के आपको नोट करवा देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन हम लोग मल्टीप्लिकेशन का करेंगे और अगले दिन मतलब कल 11 बजे जो हर दिन 11 बजे ये वीडियो आता है, कल 11 बजे इसी से रिलेटेड हम कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स बताएंगे कि कैसे दो से, उसमें शायद दो सीरीज बनेगा, कैसे दो से ज्यादा चार्ज रहने पे हम लोग फोर्स निकालेंगे और वो सीख लेंगे। तो समझिए हम लोग बहुत ज्यादा सीख लेंगे, थोड़ी सी परेशानी ये हम लोग के साथ हो सकती है, मेरे साथ ही हो सकती है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिखाता हूं तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। देखिए यहां पे मैंने कुछ फॉर्मेट बनाकर रखा, यहां देखिए ऑलवेज लिखा हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा क्या, कि अगर एक वेक्टर ए वेक्टर हो और दूसरा वेक्टर अगर बी वेक्टर हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर जो आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा आएगा। टैन अल्फा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जहां अल्फा रिजल्टेंट का ए के साथ बनने वाला एंगल है और बीटा रिजल्टेंट के वी के साथ बनने वाला एंगल है। और इस बात को ध्यान रखिए कि अगर दोनों बराबर हो ए और बी तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा। तो ये पहले नोट कर लीजिए आप लोग ऑलवेज। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट केस में, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट केस में, इसको साफ करते हैं और इंपॉर्टेंट केस में चलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस, और इंपॉर्टेंट केस में जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो यानी थीटा 0 डिग्री हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। एमिंग हाई रेगुलर व्यूअर यहां पे फिगर आप लोग मेरे साथ-साथ नोट कीजिए, वीडियो के अंत तक वहीं पहुंच पाते हैं, वीडियो के अंत तक वहीं स्टूडेंट पहुंच पाते हैं जो वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट और सीखने के व्यू से देखते हैं। बल्कि शुरू में क्लिक करना तो एक अलग बात है, वो तो लास्ट तक वीडियो देखना ना एक महानुभाव मतलब मजबूत इंसान का ही बस का चीज है। रियली में ये सब पढ़ाई वाला चीज पे मन मारना, 30-30 मिनट वीडियो पे मन मार के 30 मिनट देख लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हमको पता है कि लास्ट तक वहीं से स्टूडेंट देखते हैं जो रेगुलर वीडियो को मेरा देखा कहते हैं, इस चैनल को प्यार क्या कहते हैं, बाकी तो 2 मिनट देख के जो वीडियो छोड़ देते हैं उन लोग पता चलता है ना, वो पता चल जाता है व्यू से, एवरेज से, एवरेज से। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है और दोनों की एक ही तरफ है, तो इसमें जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी के बराबर। आप चाहते हो तो फार्मूला यूज करके भी कर सकते हैं कि आर बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो थीटा 0 कर देंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो a² + b² + 2ab यानी a + b के होल स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां से कैंसिल होकर आ जाएगा a + b के बराबर। तो यहां से आ गया केस 1, ये आपका पहला केस है। चलते हैं सेकंड केस पे, नोट करते जाइए। और इस समय जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर ही की ओर आएगा, जिधर की ओर दोनों फोर्स लग रहा है वो उधर ही की ओर आएगा, यूज आएगा ना, थोड़ा सा इसको मन मार के देखिए ना, यूज आएगा इसका, क्या यूज आएगा ना, वीडियो के अंत में हम बता देंगे थोड़ा सा, वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, और उसी से हमें पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, इसी से हमें पता चलता है ना। केस 2 हो गया 180 डिग्री बराबर, तो यहां भी कर लीजिए, एक ए वेक्टर इधर है और बी इसके जस्ट उल्टा में है, तो इसमें जो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आ जाएगा ये आ जाएगा ए माइनस बी के बराबर, आर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मॉड कर दीजिए, नहीं तो मॉड कर दीजिए, मॉड लगा दीजिए, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना, अगर ये बड़ा रहेगा तो ए में से बी, बी बड़ा रहेगा तो बी में से घटा देंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, बड़ा वाला वेक्टर की ओर, बड़ा वाला वेक्टर सदिश की ओर, वेक्टर की ओर, आप लोग लिख लीजिए इसे वेक्टर की ओर, टुवर्ड्स ग्रेटर वेक्टर या लार्ज वेक्टर जो भी बोलिए, या मैं जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये केस 2 हो गया। केस 3 में देखते हैं, जो केस 3 हम लोग का था जिसे मैंने आप लोग को बताया था कि जब दोनों के बीच का एंगल, सॉरी ऊपर भी 180 नीचे भी 180 लगता है, गड़बड़ा गया, ऊपर भी लगता है 180 था और नीचे भी 180 था, ऊपर भी 180, अच्छा यहां 90 कर लेते हैं, यहां सुधार के आप 90 डिग्री कर लीजिए, यहां 90 डिग्री कर लीजिए। तो जब थीटा 90 हो तो क्या होगा, तभी मैंने बताया कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल 90 हो, ए और बी के बीच का एंगल 90 हो, इस समय 90 डिग्री हो, इस समय जो रिजल्टेंट आता है ये आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इसमें जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, और इस समय जो रिजल्टेंट होगा आर, ये कहीं यहां से पास करेगा और ये जो एंगल होगा अल्फा, ये टैन अल्फा बराबर हो जाएगा बी बाई ए,
और टैन इधर से जो एंगल बना रहा है बीटा, तो टैन बीटा बी के साथ निकालेंगे तो ए बाई बी हो जाएगा, तो यहाँ टैन बीटा हो जाएगा ए बाई बी। तो ये चीजें बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा अच्छा से समझिएगा ना तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो ये हो गया आपका ये वाला केस। चलते हैं सबसे लास्ट केस में, जहां पे मैंने बताया था कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम रहे तब, तो उस समय जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी जितना ए वेक्टर उतना ही बड़ा बी वेक्टर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ए बराबर बी, जब ऐसा हो तो क्या होगा, या यहाँ पे लिखा हुआ ए बराबर बी तो क्या होगा। तो मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इसमें जिसका रिजल्टेंट आएगा ये रिजल्टेंट बिल्कुल बीचो बीच से जाएगा, यानी ये भी एंगल थीटा बाय टू, अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बाय टू और ये भी थीटा बाय टू, मतलब हाफ हाफ एंगल हो जाएगा। और इसमें जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये आ जाएगा टू ए कॉस थीटा बाय टू, इसमें जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये टू ए, ये सब केस यूज आएगा। चाहते हैं तो सारा का सारा ऊपर वाला फॉर्मूला जो पढ़े ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और टैन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाय बी कॉस थीटा प्लस में, उससे भी सारा का सारा चीज बना सकते हैं एक एक चीज, लेकिन वो हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग इंपॉर्टेंट केस जो यूज आएगा ना, फट से जब देखेंगे कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाला केस लगा देंगे, फट से जब देखेंगे कि ऐसा है कि दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो जो पहला केस पढ़े वो लगा देंगे, जब देखेंगे कि 180 पे है तो वो वाला केस लगा देंगे, वो इस तरीके से लगाएंगे। अब चलते हैं वेक्टर के हल्का फल्का मल्टीप्लीकेशन पे। तो आप सभी को पता होगा कि वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए बता दें कि इस डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर का कहते हैं, दो वेक्टर को ए डॉट बी, तो इसमें जो रिजल्ट मिलता है, हाँ हाँ दोनों के गुणाओं के जो रिजल्ट मिलता है, जो कुछ आता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर, इसे डॉट से हम बस दिखाते हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसी डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो कि यूज आएगा। तो अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर जो बी है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर हम ए डॉट बी करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर। जब ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। और वैसे ही देखिए, मान लीजिए कि अब एक और प्रोडक्ट होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई दो वेक्टर ए और बी है, दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर नहीं मिलता बल्कि वेक्टर मिलता है, मतलब सदिश मिलता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें सदिश मिलता है, अदिश नहीं मिलता है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, या फिर क्रॉस से हम बस दिखाते हैं, गुना वाला, ये क्रॉस कटकुट वाला और यहां बिंदु वाला, दोनों गुना ही है, ये भी गुना है और ये भी गुना है, लेकिन एक है क्रॉस कटा हुआ, तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें वेक्टर मिलता है, तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इस समय जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी, तो इस समय जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू मिलता है, ध्यान दीजिएगा वैल्यू, ये ए बी साइन थीटा होता है वैल्यू, मैं इसलिए कह रहा हूं, चलिए वैल्यू को दिखाने के लिए मैं मैग्नीट्यूड दे देता हूं यहां पे। तो जो वैल्यू देते हैं, वैल्यू दिखाते हैं हम लोग, वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है, वो डायरेक्शन ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, जो ए और बी दोनों को प्लेन पर ही परपेंडिकुलर, मतलब कि ए और बी अगर मान लीजिए आप कॉपी में ऐसे है तो कॉपी के या तो अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, कॉपी के अंदर की ओर जाता हुआ या कॉपी के बाहर की ओर जाता हुआ रहेगा, जो कि यहां पे समझाना तो खैर स्क्रीन पे हार्ड है, लेकिन ऐसा ही कुछ यही होता है। तो ये होता है। एक चीज और मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कि यही जो डॉट प्रोडक्ट है, इससे अगर मान लीजिए आई कैप जे कैप में लिखा रहा है, जैसे वेक्टर ऐसा है कुछ, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, उसके बाद a बाई जे कैप, ऐसा हो एक्स आई कैप a बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और b वेक्टर कुछ ऐसा हो, b वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप, मतलब x कंपोनेंट के साथ होता है, बी एक्स होता है x कंपोनेंट, b बाई हो गया बाई कंपोनेंट, अब बी जेड हो गया जेड कंपोनेंट, तब हम निकालेंगे a डॉट b। तो सिंपल सा बहुत आसान होता है, आप लोग मैथ में ही पढ़िएगा, ए एक्स बी एक्स ये दोनों को गुना करते हैं, फिर ये दोनों को बाई वाला को बाई से गुना करते हैं और जेड वाला को जेड से, तो ए एक्स बी एक्स ए बाई बी बाई, वैसे इसका मैं एक बार डिटेल में वीडियो लाऊंगा, ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, ये होता है ए जेड बी जेड होता है। ये कहिएगा सर कि ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सही है, ये बी कॉस थीटा सही है या वो सही है, दोनों सही है। अगर ऐसे दिया रहेगा ए बी और थीटा तो ये लगा देंगे, और आई कैप जे कैप के कैप में दिया रहेगा तो ऐसे लगा देंगे ए एक्स बी एक्स ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। और वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है, डिटर्मिनाट से करके हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से डिटर्मिनाट से करके बनाया जाता है, निकाला जाता है, उसके बारे में फिलहाल अभी बात नहीं करेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे वेक्टर का रिवीजन, कल 11 बजे आप लोगों से मिलते हैं, बाकी शाम के 6 बजे और मॉर्निंग में भी 6 बजे, इन दोनों समय वीडियो आएगा, मॉर्निंग में भी 6 बजे शाम में भी 6 बजे वीडियो आएगा, आप लोग हमेशा देखते
देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और आप लोगों से जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ दें, मतलब आज का क्वेश्चन पूछ दें। और आज का क्वेश्चन ये है कि कुलामसला में जो के का वैल्यू होता है, जहां पर हम कुलामसला में जो फोर्स लगाते हैं के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो यहां जो के का वैल्यू होता है कुलामसला में, इस के का वैल्यू कितना होता है एयर के लिए, एयर के लिए के का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसी तरीका से सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।